नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के आवास यानी योगी के घर के सामने गुंडा छेड़खानी कर रहा था, जिसका लड़की ने विरोध किया और विरोध करने पर युवती को गुंडे ने छत से फेंक दिया। दोस्तों मामला है लखनऊ का। लखनऊ में आरोपी ने बुधवार को युवती से छेड़छाड़ की। वहीं भांजी के साथ अभद्रता देख मामा बीच बचाव करने लगा। विरोध होने पर दबंग आरोपी ने युवती को छत से धक्का दे दिया। वहीं आरोपी के साथियों ने युवती के मामा पर लाठी से हमला बोलकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोस्तों गंभीर रूप से घायल पीड़िता को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जानकीपुरम सेक्टर जे निवासी युवक के मुताबिक उसकी मुंह बोली भांजी के साथ मोहल्ले में रहने वाला शिव उर्फ द्रव अक्सर अभद्रता करता था। बुधवार शाम को युवती के घर की छत पर मौजूद थी। वहीं तभी दूसरे मकान से होते हुए शिवा यानी आरोपी छत पर आ गया और धमकी देने लगा। मदद के लिए शोर मचा रही भांजी की आवाज सुनकर उसके मुंह बोले मामा छत पर पहुंच गए। आरोपी युवती के साथ मारपीट कर रहा था और मामा ने विरोध किया तो आरोपी शिवा ने पास में पड़ी लाठी उठाकर युवती के मामा के सर पर मार दिया। सिर फटने से वे लहूलुहान होकर गिर पड़े। मामा की हालत देख भांजी बदहवास हो गई। इसी बीच शिवा ने युवती को छत से धक्का दे दिया, जिसके बाद वहां से भाग निकला। दोस्तों युवती को खून से लथपथ देख पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और साथ ही घायल युवती और उसके मामा को अस्पताल ले जाया गया। पीड़िता को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद के मुताबिक युवती के मामा की तहरीर पर शिवा और उसके साथियों के खिलाफ बलवा मारपीट केस दर्ज कर लिया गया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे यानी उनके घर के सामने गुंडे मारपीट कर रहे हैं और नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं और ये सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठी है। यानी चुनाव के लालच में सरकार किसी से कुछ नहीं कह रही। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।